अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो स्टमिक का बताना है, मेरे ना स्टमिक का बहुत सवेर मसला है। और क्या कहते हैं, मुझे औलाद नहीं है, बे जी औलाद हूँ, बे औलाद, अच्छा और स्टमिक का बहुत सवेर मसला है, मैदे का मसला है मुझे। अच्छा अल्लाह आपको सेहत दे। जैतून का तेल लें, रात को सोने से पहले 5 काली मिर्चें लें, ये मैदे का बता रहा हूँ। 5 काली मिर्चें लेकर उनको उस टिश्यू में रखें, एक चोट मारे अल्लाह अकबर करके, अब वो टुकड़े हो जाएंगे, पीसना नहीं है। एक चोट में चाहे एक टुकड़ा हो, दो हो, तीन हो, उसको फौरी पानी से पी ले, वो ले लें। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच, अगर कब्ज़ है तो 2 चम्मच, नहीं, कब्ज नहीं है। फिर 1 चम्मच लें बड़ा जैतून के तेल का है, वो लेंगी इंशाल्लाह ताला पेट का मसला तो अल्लाह आपको हल कर दे। सुबह आप जौ का दलिया खाएं, जो का जौ का दलिया, दलिया शहद के साथ और तो दूध में पका के, ये भी याद रखें, अल्लाह ना करे किसी को बड़ी आंत में कैंसर भी हो तो जौ का दलिया उसका इलाज है। अगर उसको अल्लाह ना करे कैंसर भी आखिरी स्टेज का, जौ का दलिया लें, दूध में पानी में पका के दूध डाले, फिर उसमें शहद डाले, उसको खाए तो इंशाल्लाह अल्लाह उसको शिफा देगा। अगर अल्सर है उसको मैदे के अंदर, ये भी जी जौ का दलिया उसको अल्लाह के फजल, ये तिब्बे नबवी से है नुस्खा। तो बाकी और दूसरी उलाद, बात, आप औलाद के लिए रब्बी जी जी हबली मिनस्सालेहीन पढ़ें हर नमाज के बाद। अगर गायनिका को मसला लकोरिया वगैरह है या उसमें डिस्टर्बिंग है आपके साइकिल में, तो फिर आप सूरह शम्स भी अपनी नमाज के अजकार में शामिल कर लें, सूरह शुक्रिया। शम्स भी। और आप अगर कोई, इसमें यह है कि अगर आपके कोई अबॉर्शन वगैरह भी हो गए हैं तो फिर इसका बाकायदा इलाज होगा। तो कितनी दफा पढ़नी है सूरह शम्स? एक बार सूरह शम्स पढ़े एक। ना, हाँ, आप आयतुल कुर्सी के साथ जो पढ़ती हैं, इखलास फलकनास पढ़ती हैं, उसके साथ सूरह शम्स कर लें। ये कोई भी बहन बेटी जो है ना, जिसको कोई गायनी का मसला है तो वो सूरह शम्स भी पढ़ेगी, अल्लाह उसको शिफा देगा। अस्सलाम अगर वालेकुम। अल्लाह ना करे किसी को बवासीर है, वो सूरह आला भी पढ़े।